एक और जहां प्रदेश सरकार लगातार विकास कार्यों का दावा कर रही है, लेकिन आज भी प्रदेश में कई ऐसे गांव हैं जहां अभी तक पक्की सड़क नहीं बन सकी। दरअसल मामला जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मामून का है, जहां गांव में जो मुक्तिधाम बनाया गया है उस तक पहुंचने के लिए अभी तक सड़क का निर्माण नहीं किया, जिस वजह से ग्रामीणों को मुक्तिधाम पहुंचने के लिए पानी में आधा डूब कर गुजरना पड़ता है। ऐसा ही एक वीडियो ग्रामीणों द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसमें ग्रामीण शव यात्रा को पानी से लेकर गुजर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि यह समस्या कई वर्षों से बनी हुई है, जिससे ग्रामीणों में हमेशा डर बना रहता है कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। वहीं कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने भाजपा सरकार पर इसका आरोप लगाया है। क्या नाम है आपका? देवी। देवी जी बताइए, कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक सब यात्रा को मुश्किल से ले जाया, क्या मामला था? चाचा खत्म हो गए थे सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे रात भर मिट्टी रखे, रास्ता नहीं निकलने के लिए। फिर कैसे ले गए आप लोग? सुबह ले गए पानी में, तालाब में। तो रास्ता कब से नहीं है ये? रास्ता तो प्लास्टिक बहुत काफ़ी नहीं है। जो मुक्तिधाम किसने बनवाया था? सरपंच साहब ने बनवाया। तो रास्ता नहीं है? रास्ता नहीं है। नाम है आपका? अखिलेश अहरवाल। अखिलेश जी, किस गांव के हैं आप? ग्राम मामून। मामून में देखने को आया कि मुक्तिधाम के जाने के लिए रास्ता नहीं, क्या मामला है ये? क्या है, एक तो रास्ता नहीं है निकलने के लिए, और रास्ता है तो इसमें पानी भरा है, और कम से कम 4 फुट पानी में निकलना पड़ता है, जिससे डर भी लगता है निकलने में। तो कल एक वीडियो वायरल हुआ सबको ले जाते हुए, तो ऐसी परेशानी? ऐसी परेशानी है बिल्कुल। मैं तो जब से बचपन से देख रहा हूँ ऐसी समस्या है हमेशा। वो मुक्तिधाम किसके द्वारा बनवाया गया था? वो महेश सरपंच के द्वारा बनवाया गया था। क्या है, जो भी सरपंच चुनाव आता है तो बोलता है कि चुनाव जैसे ही होगा मैं बनवा दूंगा रास्ता, पुलिया बनवा दूंगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई नहीं आता है कभी देखने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मीनारायण अहरवार है, और कल जो वीडियो वायरल हुई उसमें मेरे चाचा जी ख़त्म हो गए थे, वो रात के 8 बजे के करीब में, तो रात में निकलने का साधन नहीं था, पानी भरा हुआ था, इस कारण हम रात में लेके नहीं आ पाए। अब लेकिन सुबह सब लोग जुड़ गए, तो रास्ते में रास्ता ना होने के कारण, और रास्ता तो थी शायद पहले, लेकिन अब वो जगह गित गई है, बंद हो गई है, इसके कारण वो पुलिया ना बनने के कारण पानी में से हम लोगों को निकलना पड़ता है। मेरे पिताजी भी निकलते रहे हैं पहले सब लेकर। अब यह है कि सरकार से मांग है कि वो इस पर पुलिया बनवाई जाए। जैसा कि दिख रहा है कि कच्ची सड़क हाँ। है, पानी है, आप कह रहे रास्ता हटा, क्या पक्का रास्ता हटा? नहीं, पक्का कोई रास्ता नहीं था, पक्का रास्ता कुछ भी नहीं था। वो तो कितने सालों से परेशानी है? बिल्कुल जन्म से ही है, जब पिताजियों के ज़माने से है, तो कच्ची रास्ता ही है। और कोई दादा से पूछना चाहूँगा, कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक शव यात्रा को पानी में से ले जाया जा रहा है, इसकी जानकारी क्या आपको, क्या कहाँ का मामला है? पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के बहुत बड़े ढिंढोरे पीट रही है कि जो है हम विकास में बहुत ऊपर पहुंच रहे हैं, शिवराज बाबू बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन टीकमगढ़ शहर के ठीक ऊपर मतलब उनके मस्तिष्क के ऊपर मामून पंचायत में इतना बड़ा कलंक लगा हुआ है, आज तक वहाँ की पंचायत ने वहाँ पर कोई काम नहीं किया, शमशान घाट पे जाने तक के लिए रास्ता नहीं है, अलग अलग देख रहे हो जहाँ पे लोग पानी उपयोग करके उसके लिए अलग देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण काम है, लेकिन अब चूँकि हमारे संज्ञान में ये बात आई है तो आज हम कैंप समाप्त हो जाएगा हमारा, तो थोड़े दिन के अंदर हम अधिकारी उसके लिए।